Good afternoon, ladies and gentlemen. We are back with another round of exciting debate to keep you awake through the post-lunch session. And this time, the subject is totally different. This is an area which has enormous potential. It's the only silver lining in the financial sense in the news business. This is where the regional news channels come in. And I have with us, we have with us today, really splendid people who are well known in this space. They have done incredible work. They are very serious about what they are doing. And we learn not only the art of regional television news, also the business side. So we'll straight away go in. Manoj ji, main aap se shuru karna chahta hoon. Aap kaafi dinon se is Sahara ki taraf se kaam kar rahe hain regional channel. बहुत लोग कहते हैं कि रीजनल चैनल के अंदर पैसा बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि कॉस्ट लो होता है और आप आसानी से कर सकते हैं और रीजनल मार्केट वेल डिफाइंड है, वहाँ पर एडवर्टाइजर्स वेल डिफाइंड है. आप इस बात से एग्री करते हैं? मुझे लगता है कि पैसे की बात में, रेवेन्यू की बात बाद में करूँगा, लेकिन जो रीजनल चैनल का जो कॉन्सेप्ट है उसकी अवधारणा कहाँ से निकल कर आई? नेशनल चैनल जब शुरू हुए तो ये हुआ कि क्या आपके स्टेट की, आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके ब्लॉक की न्यूज़ दिखाई देती है, क्योंकि मीडिया एक बड़ा माध्यम है. और इसीलिए सामाजिक सरोकार के लिए रीजनल चैनल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नेशनल चैनल आए आपके स्टेट को, आपके 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 ज़िले को, खबरों में जगह नहीं मिल पाती थी. और यही कारण है कि रीजनल चैनल की परिकल्पना हुई और 24 घंटे के हिंदी न्यूज़ चैनल के लिए सहारा ने इसकी शुरुआत की. एक कमी रही कि वो हिंदी भाषी इलाकों से बाहर नहीं निकल पाए और बाकी जो दूसरे मीडिया हाउसेस थे वो वहाँ गए. और जब रीजनल चैनल की शुरुआत हुई तो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार हो या फिर हिंदी के अलावा तमाम दूसरे राज्यों के रीजनल चैनल हो, वाकई उन लोगों को लगा कि हाँ, रीजनल चैनल हमारी अपनी एक पसंद है और हमारी चीज़ों को उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाती है. यही कारण है कि उनके इलाके और उनके लोगों के बीच जो घटनाएं घट रही थी वहाँ पर, जो चाहे वो घटना सामाजिक सरोकार की हो या राजनीतिक हो, वो सभी उनके चैनल पर दिखाई देती थी. उसका सीधा असर सरकार पर पड़ता था जी. इसलिए उस रीज़न में वो सारे चैनल उन लोगों की पहली पसंद बन गए. ओवरराइडिंग नेशनल चैनल्स? बिल्कुल. अच्छा, अब आपने कहा कि रेवेन्यू और पैसा कमाना वाकई क्या आसान है, मुश्किल है. यहाँ पर थोड़ा सा हमको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस राज्य की बात कर रहे हैं, किस स्टेट की बात कर रहे हैं जी. क्योंकि अगर हिंदी भाषी राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अगर आप वहाँ की बात करेंगे तो आपका सीधा कंपटीशन किसके साथ है? नेशनल चैनल, नेशनल हिंदी चैनल के साथ. एब्सोल्युटली. और नेशनल हिंदी चैनल, वो भले ही अपने आप को नेशनल हिंदी चैनल बोलते हो, लेकिन क्या वो कर्नाटका में उतने देखे जाते हैं, क्या आंध्रा में उतने देखे जाते हैं, क्या नॉर्थ ईस्ट में उतने देखे जाते हैं, क्या महाराष्ट्र में उतने देखे जाते हैं? क्योंकि इन राज्यों की भाषा अलग है. और जब इन राज्यों की भाषा अलग है तो वहाँ पर उन राज्यों के जो रीजनल चैनल हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं. अब हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के रीजनल चैनल का सीधा कंपटीशन नेशनल हिंदी चैनल से, आज तक से, जी से, या जो बड़े ग्रुप हैं, तो वहाँ पर एक परेशानी हिंदी राज्यों में. और अमूमन ऐसे मीडिया हाउसेज जिनके नेशनल चैनल भी हैं, सहारा का नेशनल चैनल भी है और सहारा के रीजनल चैनल भी हैं, ऐसे ही जी के साथ है कि जी का नेशनल भी है और जी के रीजनल भी हैं, टीवी 18 के साथ भी यही है, तो उनके अपने रीजनल चैनल, उनके अपने नेशनल चैनल का रेवेन्यू भी खाते हैं और उनका जीआरपी भी खाते हैं. तो ये एक हिंदी चैनल के साथ बड़ी परेशानी है. इसलिए हिंदी भाषी जितने भी रीजनल चैनल हैं उनको रेवेन्यू के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो सेल्स को लेकर हो, चाहे वो गवर्नमेंट रेवेन्यू को लेकर हो. और अगर दूसरे राज्यों की आप बात करें जो दूसरे भाषा के हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों या साउथ के हों या महाराष्ट्र के हों, उनके साथ ये परेशानी नहीं है, उनके लिए रेवेन्यू एक अच्छा माध्यम है. मिस्टर श्याम सुंदर, आई नो यू हैव बीन एंकर ऑल्सो, यू हैव डन डिबेट्स. टेल मी, डज द ऑडियंस इन कर्नाटका वेयर यू कम फ्रॉम would recognize you first or Arnab Goswami first? Shyam Sundar. Myself, sir. Okay. Why is that? Because we are close to people and I always choose
to be very proactive, to be humane, to be laughing, take the comedy route, intelligence comedy route, to talk to my audience. I know their bhasha, their dialect, their proverb, and I know what's happening in their mind. I can directly connect to them. And a freewheeling discussion in spite of a very serious subject, I will also do well. I will give an example, Mr. Lall. See, I have done a lot of anchor and debates over, for example, a very serious subject like budget. Right. Central government budget or Karnataka budget or whatever budget. But the end of, after the finance minister presents it and we do a lot of debate, finally I will ask the audience, Shyam Sundar, for example, how do you rate this budget? What is your opinion about the budget? I would say, Mr. Lall, always that the budget is full of numbers. So also, sir, whenever you go to a conference, a conclave, wherever, finally, it's all number-driven conferences. Right. We are all number animals or number homo sapiens. Right? Before going to, you asked a question to him, right. I agree that the investment and ROI of the local TV channels, language channels in but India. We'll go there, sir. Yeah. But just wanted to know the penetration of a regional channel in the area of its dominance is somewhat higher from what I understand from your answer. Certainly. In comparison to a sort of a nationally recognized channel. See, the nationally recognized channels, they are restricted to 5-star hotels and CEO's room, particularly in the capital like Bangalore. And if you go to another deep, second tier, two tier, three tier cities, we are the heroes. Okay. We will talk to our audience. They will trust us better because the language holds the key. Because the type of language an anchor like whoever it is and the national channels, they can't understand the cutting edge technology, they don't understand. We say, humko paisa dhoka hai in our own language. Right. This company is rendering a loss. Why did a person committed suicide? Hmm. So that is the language route we take. So as you said, this national channels will have a very restricted visibility, confined to the closed chambers of a microscopic section of the society, that too in Bangalore. Nileshi in Maharashtra, any different? Kuch farak hai? Nahin, agar Maharashtra ka bhi top 10 channel ko hum nikal le, to usme hamesha pehle 3 ya 4 number par Marathi channel hi honge. Uske baad jaakar national channel jo hai, wo dikhai denge. English channel to aapko kahin par bhi nazar nahi aayega. Agar national channel, jo top ka national channel hai, wo Maharashtra mein 40 GRP बना रहा है, तो लगभग 50 GRP जो है, वो मराठी चैनल का टॉप चैनल बना रहा है। तो पर अगर हम हाँ स्पॉट रेट की बात करें, तो उसमें बहुत फर्क होता है। आप जब नेशनल स्पॉट रेट को देखेंगे, तो वो लगभग 10 गुना ज़्यादा होंगे, जो कि रीजनल के स्पॉट रेट्स होंगे। तो फिर भी उसके बावजूद भी अगर जैसे कि आपने मनोज जी को भी पूछा, महाराष्ट्र में रीजनल चैनल शुरू करना इतना आसान नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर आपको कम से कम 50 करोड़ फंड जो है वो साथ में लेकर आना होगा. नीलेश जी, कितने चैनल हैं अभी अपने? सिर्फ मराठी लैंग्वेज न्यूज़ अगर चैनल ले लिए जाए तो 7 न्यूज़ चैनल अभी महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, जिसमें से 5 चैनल है जो सही GRP DRP बना रहे हैं. फाइनेंशियली स्टेबल है? फाइनेंशियली स्टेबल उसमें से सिर्फ 5 में से जो 4 चैनल है वो बुके चैनल है, जो नेशनल चैनल्स के ऑफशोर चैनल्स हैं. अगर मैं मेरे चैनल की बात करूं, साम टीवी स्टैंड अलोन चैनल है, न्यूज मीडिया ग्रुप सका मीडिया ग्रुप का चैनल है, और इस साल की अगर हम बात करें तो हम सस्टेनेबल रेवेन्यू पर है. हम लॉसेस नहीं बना रहे हैं, पर हाँ महाराष्ट्र में मैन पावर कॉस्ट हाई है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हाई है, और इसलिए महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अगर आपको आना है तो आपको अच्छे फंड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आना होगा. तो आप इनवाइट कर रहे हैं कंपटीशन? जरूर आना चाहिए. बहुत सारा मार्केट है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, पर आप किस प्रकार से उसको देखते हो और कैसे इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर तय होगा कि आप सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. ये लैंग्वेज चैनल्स हैं, बट लैंग्वेज भी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बोली जाती, मराठी तो और जगह भी बोली जाती है, तो आप वहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? जी, महाराष्ट्र के बाहर जहाँ पर जा रहे हैं, हमारे सारे साथ सब जो D2H ऑपरेटर हैं उन पर
हम दिख रहे हैं डीटीएच. तो अगर मैं करगिल भी चला जाता हूं तो मेरा चैनल दिख रहा है, और केरला में भी जाता हूं तो चैनल दिख रहा है. बट इसका कोई इंपैक्ट होता है आपके एडवर्टाइजर पे कि हम सारी दुनिया में देखे जा सकते हैं? एडवर्टाइजर कभी ये नहीं सोचता कि आप कहां पर देखे जा रहे हैं, वो सिर्फ महाराष्ट्र के आपके जीआरपी टीआरपी को काउंट कर रहा है और उसी के आधार पर वो आपको एडिशन बेस्ड एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर. राइट. Chennai edition so much. Yeah, you can take the mic, sir. All India edition so much. Yeah. Hyderabad edition so much. I don't think in the regional language TV, we don't have such a pricing factor for different languages. Mm-hmm. But one thing, if you want to add value to what you said, see, in Kannada TV channels, particularly in Suvarna TV, there are 400 channels in India. Gee. I don't know. Of course, all are have their presence on the web and socials, but I'm not sure how much their digital backbone is strong. So when your digital, because you have been singing the digital song right from the morning, and you are going to sing the song for another 100 years. Right. But then, see how digital is strong depends upon your distribution mechanisms. For example, in my TV, so we have reasonably a good strong web and socials. So we have 2 million subscribers on the YouTube channel. On your YouTube? YouTube, 2 million people are there and at no cost. And the dependency of the provider is reduced to so much of extent. Mm-hmm. And particularly spending on these providers is very huge. Mm-hmm. Okay, to offset that, to compensate that, or to embellish that, you have the digital advantage. Mm-hmm. See, we have so many followers on our socials. The reach is there, whether they are in Chennai or in California, doesn't matter to me. ये एक बड़ी चीज़ है. अगर आप TV total TV के अगर revenue को देखें तो I think 2,705 के आसपास revenue है. और इसमें 2,700 crores. हाँ. और अगर इसमें हिंदी न्यूज़ चैनल का अगर आप देखेंगे national हिंदी न्यूज़ चैनल का तो वो revenue निकल कर आता है 9,400 crore के आसपास. 44%. बाकी का जो रेवेन्यू है वो रीजनल चैनल के पास है. जी. लेकिन अब ये चैलेंजेस नेशनल और रीजनल दोनों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आगे बढ़ रहा है और जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, मीडिया हाउसेज हैं, इसके अलावा जैसे हर स्टेट में 3-4-5 बड़े ग्रुप हैं, इसके अलावा उस स्टेट में अब जो छोटे छोटे रीजनल चैनल शुरू हो गए हैं जिनका ना तो सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना है, ना उनको जर्नलिज्म के से कोई लेना देना है, कुछ छोटे जो उद्योगपति हैं या बिजनेस करने वालों ने ग्रुप बनाया और एक चैनल शुरू कर दिया. तो ये नेशनल और रीजनल जो वाकई पत्रकारिता करते हैं उनके लिए परेशानी की बात है. रेवेन्यू स्वाभाविक तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में रेवेन्यू जिस तरीके से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोग देखना चाहते हैं. टीवी सेट को आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल होता है तो उसका जो पेनिट्रेशन है वो एक चैलेंज है. तो इसके पहले भी जो डिस्कशन हुए उसमें ये हुआ कि कितना लोग देखते हैं, सोशल मीडिया क्या इतना इम्पैक्ट डालता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या वो असर होता है कि नहीं होता है. अब कौन रहेगा, कौन टिकेगा, कौन खत्म होगा, ये बात की बात है. लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म टीवी के लिए एक संकट तो है. तो अब दो बातें कह रहे हैं मनोज जी. आई बेग टू डिफर. ये संकट तो नहीं है, इट इज एन एम्बेलिशमेंट, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट. करेक्ट. Absolute. Because unless you have the digital presence, you're nobody. It's a value add. No, because lagatar setup box mein kaam karna zindagi chala gaya. So you have to have your mobile, and the whole thing is happening on your Android. So he comes from Karnataka. Which is an IT state. Haan. So he's already thinking ahead. Jee. So this is beyond the set-top box. Ab aage chalke sara digital hone wala hai. Ab uske andar aapko lagta hai ki aapko nuksan ho sakta hai, magar ही फील्स कि ऐसा नहीं होगा. आपको क्या लगता है सर? डिजिटल हमेशा ही टीवी के लिए अपॉर्चुनिटी रहा है, और डिजिटल आज के वक्त में रेवेन्यू नहीं दे रहा होगा टीवी को. टीवी मेन है, जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, सप्लीमेंट्री रेवेन्यू डिजिटल से आ रहा है. आज भी जो आ रहा है वो बहुत कम है, पर हाँ, आने वाले दिनों में अगर उसको सही तरीके से प्लान किया जाए, हम जितना न्यूज़ रूम टीवी न्यूज़ रूम पर खर्चा कर रहे हैं, क्या हम उतना खर्च डिजिटल पे कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं. तो हम जब उसको चला ही रहे सप्लीमेंट के तौर पर, तो वो रेवेन्यू भी सप्लीमेंट के तौर पर देगा. बट ये रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन में आएगा? सब्सक्रिप्शन पे जरूर आएगा, अगर आप उतने क्वालिटी का कंटेंट देते हो. जी. रीजनल चैनल क्यों लोग देखना चाहते हैं? आपकी मिनिस्ट्री की कौन कौन मंत्री बना?
मिनिस्ट्री में किस किस के ट्रांसफर हुए, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एसपी आने वाला है, कौन सा कलेक्टर आने वाला है, जो सबसे ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कौन सी घटना हुई है जिसका इम्पैक्ट सरकार पर पड़ने वाला है, पॉलिटिकल पार्टी पर पड़ने वाला है, आपका आपका स्टेट का प्रेसिडेंट कौन बना? टू मोर हनी ट्रैप्स, किस स्वामी जी किस छोकरी से भाग गया, हाँ यू नो ऐसा तो बहुत, तो ये सारी चीजें मोबाइल पे हैं, कौन कहाँ अपॉइंट हुआ, कौन कहाँ, तो जो म्युनिसिपल इलेक्शंस टीवी पे जाते थे अब वो मोबाइल से काम चल रहा है, द लोकल इश्यूज, म्युनिसिपल इलेक्शंस, यू नो ट्रांसफर्स ऑफ लोकल ऑफिशियल्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, those things mattered on a daily basis for citizens of a certain area and they can't be obviously shown on national television 24/7, so those are your areas of interest. Anything else, any other interesting stories that specifically are very regional and not national? I'll ask you a question, sir. You're from Karnataka. When the landslides happened in Coorg, we heard about them because we live so far away from them. How did it impact your channel? Were you the first to reach there? Could it's a good question. It's a good question. Suvarna News, we took the initiative. Yeah. First thing is, help Coorg. That was our slogan. Right. We gave a call for the public to give food, clothing, whatever they can. We sent 70 truckloads of flood relief materials to Coorg. Coorg. It did it twice. The floods came the previous year and once again it came. Correct. And we took it as a CSR, and even our Malayalam channel, Asianet Malayalam channel, Asianet News TV in Kerala, when the flood happened, they took that initiative. And sir, for 3 hours, 24 into 3 days, without advertisement, we covered the flood. So our policy was no revenue, we don't want money, we want to cover floods. That was the stance taken by the management of the Kerala channel. And okay. In Bangalore, the way Suvarna National responded to the call of the Coorg havoc was amazing. And that gives value addition to the channel. Very good. That gives a lot of value over the year. That can't be quantified. Yeah, of course. Goodwill. Just kisi state mein, agar koi bachcha Borwell mein chala jata, और वो रीजनल चैनल उसे कवर करता है तो लोग उसे देखना पसंद करते हैं बजाय कि नेशनल चैनल. लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ देखना पड़ेगा क्योंकि साउथ के लोगों का माइंडसेट अलग है. वो पॉलिटिकल कितना सोचते हैं, अगर सोचते भी तो उनके स्टेट की पॉलिटिक्स अलग है. लेकिन अगर आप हिंदी भाषी राज्यों में आएंगे तो बिहार का रिक्शा चलाने वाले भी एक दिल्ली में रहने वाला पॉलिटिकल पर्सन से ज़्यादा स्मार्ट होता है. वो मोदी के बारे में सोचेगा, अमित शाह के बारे में. अगर बिहार का कोई रिक्शा चलाने वाला भी है वो इतना मैच्योर होता है पॉलिटिक्स में, उसकी थिंकिंग जो पॉलिटिक्स की है वो इतनी मैच्योर होती है कि वो जानता है किस वक्त दिल्ली में वो ये जानता है, वो ये चाहता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है ये भी उसे पता हो और पटना में क्या हो रहा है ये भी उसे पता हो. प्रिसाइसली विद द एडवेंट ऑफ 24 आवर्स न्यूज चैनल्स इन द रीजनल सेक्टर द पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ द कॉमन मैन हैज गॉन अप. ही कैन असेस, वैलिडेट, क्वांटिफाई, मेक ए जजमेंट. That was not there for 10 years ago. महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जो हिंदी भाषियों को भी समझता है, वो अंग्रेजी के भी पास है और वो अपने लैंग्वेज को भी बचाना चाहता है. Very good. Do we have time for any questions? No, sir. No, sir. So I want to have make one point. Yes, let him make one point. Sure. One point. Say I have gave a patient and after listened to all of your lectures and speeches in this morning and. My special appreciation, I should say, I can't hide it, to Pankaj Pachauri, who gave that his presentation. How I wish I would have been one of the Indians to go to Doha conference for the social conference. Well, I'm told only 2 people went. Next time, I will go there. You should. Yeah. Okay. So, then, sir, all illustrious cricketers in the world, right from Broadman to Salim Javed to King Richards to so many people, at some point of time, they will lose the forum. We call it as bad patch. See, once Rahul Dravid lost his forum as a batsman, so then a journalist in Karnataka asked a question, what do you do, Dravid, since you have lost the forum? He said, I will go back to basics. I will go to stadium early in the morning at 5 o'clock. I will take the stance to take the right stump or the leg stump or just away from the middle stump or just behind the left stump, whatever stump he allows and be practiced. Right. Similarly, on the web, on the TV, we take that, go back to your basics. That's a good forum, good thinking, I believe, I trust. Go back to basics and take, essentially, on the digital front, we decide that digital literacy, we watch digital literacy, penetration and connectivity.
So these are the three mantras, we should say. And in Bangalore, you know, though we speak Kannada and English, right. In our symposiums, we call it a teen murtiya. So these are the three things we should to review. Go back, go back, go back. So that's a good takeaway from this session. Go back to the basics. Go back to the basics. Okay, cool. Ladies and gentlemen, a round of applause for our speakers.